फिर नेक्स्ट है टाइम वेव फॉर्म. मेमोरी यूनिट ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल डिवाइस. द CPU इज सिंक्रोनाइज्ड बाय इट्स ओन क्लॉक पल्स. सिंक्रोनाइज्ड मीन के इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट हो जाएगा कि किसने टाइम में ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. मतलब CPU के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें वो एक ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हर एक टास्क के लिए जो है एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट हो रहा होता है. सिंक्रोनाइज्ड मीन कि उस टाइम में वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा. मेमोरी हावर डज नॉट एम्प्लॉय क्लॉक कंट्रोल. हावर मेमोरी डज नॉट एम्प्लॉय अ क्लॉक, मतलब मेमोरी इसके लिए वो नहीं करेगी, मतलब प्रोसेसर इसके लिए एक टाइम स्पेसिफिक एलोकेट करेगा. जिस तरह है कि कोई भी अगर CPU की प्रोसेसिंग का अगर हम देखें तो उसके जो अपनी जो है, मतलब अगर हम कहीं फलां CPU इतने GHz हैं, 4 GHz है, 3 GHz है, मीन दिस CPU कैन ऑपरेट 3 GHz ऑपरेशंस पर सेकंड, 4 GHz ऑपरेशंस पर सेकंड. ओके, सो द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ एनी ऑपरेशन के मतलब कितने टाइम में कितनी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. कंट्रोल सिग्नल्स आर एम्प्लॉयड फॉर रीड राइट. कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं एक्चुअली इट इज़ कंट्रोलिंग द ऑपरेशन, क्या है वो कोई चीज़ उस पर रीड हो रही है या राइट हो रही है. ठीक है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है. एक्सेस टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफाइंग एन एड्रेस एंड ऑब्टेनिंग द वर्ड. एक्सेस टाइम फॉर रीचिंग दैट स्पेसिफिक ऑपरेशन, एड्रेस तक पहुंचना कि किस टाइम कितने टाइम में, मतलब ये जो है एक्सेस करेगा उस जो स्पेसिफिक ऑपरेशन जो परफॉर्म होना है उस तक पहुंचने के लिए, दैट्स कॉल्ड एक्सेस टाइम. इन द राइट टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द डेटा ऑन दैट स्पेसिफिक एड्रेस, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफाइंग एन एड्रेस एंड स्टोरिंग द वर्ड. CPU मस्ट प्रोवाइड द कंट्रोल सिग्नल, मीन कंट्रोलिंग और द ऑपरेशंस, वेदर इट इज़ रीडिंग ऑपरेशन और राइटिंग ऑपरेशन. मीन दैट कि वो इनपुट कर रहा है या उस पर आउटपुट वो शो कर रहा है. राइटिंग ऑपरेशन इज एक्चुअली इनपुट एंड द रीडिंग ऑपरेशन इज एक्चुअली द आउटपुट. मेमोरी यूनिट ऑपरेशन इज कंट्रोल बाय द एक्सटर्नल डिवाइसेस. CPU provides the control signals synchronized with the clock. This implies that read-write operation will take certain number of clock periods. खास time allocate होगा, जिस तरह आप लोगों ने operating system में पढ़ा है कि उसमें जो है different algorithms हैं. ठीक है, कि shortest job first है, first come first serve है, या इस तरह डिफरेंट जो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोस, हर एक के लिहाज से अपना कि उसके लिए एक उस टास्क के लिए एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट होगा. अब यहाँ पे है फॉर द राइट ऑपरेशन. राइट ऑपरेशन अब ये कि एक क्लॉक पल्स इज अबाउट 20 नैनोसेकंड. दिस इज़ द 1 क्लॉक पल्स. यू कैन सी 1 क्लॉक पल्स, 2nd क्लॉक पल्स, 3rd क्लॉक पल्स, एंड दिस इज़ द एड्रेस फील्ड, एड्रेस valid address where the writing operation will be performed. Memory enable mean that memory will be enable on which the data will be write. Read or write, dono operations honge na, ya to read hoga ya write hoga, to isme hum in this case we are actually this is performing actually a write operation and data input. The data will be write on the some specific memory address in that clock pulse and memory will be enabled. That is the data input. ठीक है, कैसी टाइम में
कितना मतलब ये सारा डेटा जो है जो इतना भी है वो इनपुट होके मतलब जो उसी स्पेसिफिक एरिया पे वो राइट उस मेमोरी एड्रेस पे वो राइट हो जाएगा. फॉर राइट ऑपरेशन CPU must provide the address memory enable set. अब definitely CPU will also provide the address on which the data should be write. Memory enable is a set of positive edge of the T1 pulse and data is applied at the positive edge of T2 pulse. मतलब first, second, third and इस तरह multiple मतलब जो है time allocate होगा for that specific operation. In this case which is write operation. Read additional set to 0 for write operation. CPU waits 42 till the address signal stabilized. जितने भी ऑपरेशन है तो फर्स्ट पल्स जो है फिर अगला सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन जितने भी. अब ये CPU में तो एक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा तो मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. T1 के लिए CPU एलोकेट हो गई है और वो राइट ऑपरेशन कर लिया तो फिर ये फर्दर के लिए कोई और ऑपरेशन है उसके लिए वेट करेगा क्योंकि मल्टीपल जॉब्स आ रही होती है ना एट अ टाइम. ठीक है तो फिर वो रिमेनिंग जो है और ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके लिए वो वेट करेगा फिर उसके बाद अगला जो ऑपरेशन इसका वापस शुरू होगा वो पूरा साइकिल जो रिपीट होगा. अदरवाइज द रॉन्ग एड्रेस में बी यूज मतलब जब ये अपने उस लिहाज से ये अपने अगले ऑपरेशन के लिए वेट करेगा. सिग्नल मस्ट स्टे एक्टिवेटेड लॉन्ग एनफ फॉर द ऑपरेशन टू फिनिश्ड T4 कम्प्लीट द राइट ऑपरेशन हैज़ एंडेड विद द 5 नैनोसेकंड टू स्पेयर. फिर नेक्स्ट है हमारा रीड ऑपरेशन.